आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जॉब टेस्ट को। मियांवाली दानिश स्कूल में जो है वो 13 अगस्त 2022 एक जो है वो काफ़ी सब्जेक्ट्स के लिए जो है टीचर रिक्वायर्ड थे, तो उनका जो है वो टेस्ट लिया गया है। दानिश स्कूल जैसा कि आप सब जानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया एक बहुत बड़ा जो है वो स्कूल सिस्टम है। यहाँ पर वक्तन फवक्तन जो है वो टीचिंग टेस्ट होते रहते हैं। तो इसके लिए तरीकाकार क्या था कि जब भी इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है तो वहाँ पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि आप अपने CV, उसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है और आपके जो तमाम दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एकेडमिक, तो आपने उन सब की फ़ोटोकॉपीज करवा के अटेस्टेड करवा के एक जॉब एप्लीकेशन के साथ जो है वो जमा करवा देनी होती है स्कूल में। वहाँ से फिर आपको महीना या 2 महीने बाद, अब ये जो टेस्ट हुआ इनको 2 मंथ बाद कॉल आई थी टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए आपको कॉल करके बुलवाया जाता है। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि यहाँ पर स्कूल की तरफ से कोई भी प्रॉपर जो है वो सिलेबस नहीं बताया जाता कि जो हमें टेस्ट है वो कहाँ से देना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल PPSC में जब भी हम किसी सब्जेक्ट का टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वो एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि मास्टर लेवल से ही हमें ज़्यादा तैयारी करनी है और वहाँ से ही टेस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से टेस्ट आता है। पिछले काफ़ी अरसे में जो है यहाँ पर पेपर जो आता था उसके 2 पार्ट्स होते थे, एक सब्जेक्टिव होता था एक ऑब्जेक्टिव होता था, यानी पेपर को डिवाइड किया गया होता था। वहाँ पर कुछ MCQs होते थे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते थे। उसके बाद अगर पिछले 2-3 दफ़ा देखा जाए तो जो है वो पेपर बिल्कुल PPSC पैटर्न बेस्ड ही होता था, 100 MCQs आते थे लेकिन वो मास्टर लेवल्स पे आते थे। लेकिन इस दफ़ा आने वाला पेपर उन सब पेपर से डिफरेंट है। यहाँ पेपर पैटर्न की हम बात करें तो पेपर जो है इट वाज बेस्ड ऑन 100 MCQs। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्टिव जो है वो पार्ट नहीं था, राइम कोई शॉर्ट आंसर्स वगैरह कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ MCQs थे। और MCQs के लिए अगर हम सिलेबस देखें तो सारे का सारा पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से आया हुआ था। फर्स्ट ईयर में जो लेसन्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो प्लेज हैं, उन सब में से MCQs जो है वो पेपर में शामिल थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोइम की लाइन दी गई थी, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। अब ये पूछा गया था कि ये जो स्टेटमेंट है ये कि किस पोइम से ली गई है, नाइट मेल से ली गई है ये, तो इसके लिए आगे 4 ऑप्शन थे तो वहाँ पर हमें टिक करना था। इसके अलावा पोइम्स में ओज़िमेंडायस का पोइट पूछा गया था, द हॉलो मैन किसने लिखी है ये पूछा गया था। इसके अलावा प्लेस जो हैं, प्लेस में जैसा कि हैरी जो है वो किस प्ले का एक करेक्टर है, इस तरह के प्लेस में से भी कुछ MCQs थे। उसके अलावा लेसन्स में से काफ़ी सारे MCQs थे, जैसे कि एक लेसन है यूज़ ऑफ फोर्स। यूज़ ऑफ फोर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो लड़की है उसके पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर को बुलाकर उसको कितनी फ़ी पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक लेसन है पीस ऑफ स्ट्रिंग। पीस ऑफ स्ट्रिंग में थे ये क्वेश्चन था कि जो विलेज या वो एरिया है जहाँ पर ये इवेंट रहता था, उसके मरने के बाद उस वहाँ के लोग जो हैं उनकी तबाही की वजह क्या बनी, किस चीज़ ने उन्हें तबाह किया था, जो कि एक सैलाब था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा क्लैरिंग इन द स्काई में से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ओल्ड मैन है उसकी एज कितनी है, इस लेसन में कितनी एज बताई गई है। बटन बटन के ऑथर का नाम पूछा गया था। गिफ्ट ऑफ मैगी में पूछा गया था कि जो लड़की थी डेला उसने अपने हेयर जो है वो कितनी अमाउंट में सेल किए थे। उसके अलावा जो लास्ट लेसन फर्स्ट ईयर का है ऑथर और एंजल वाला, उसके राइटर का नाम पूछा गया था, किसने लिखा है। उसके अलावा थैंक यू मैम में जो लड़का उस लेडी की बैग स्नैच करने की कोशिश करता है उसका नेम पूछा गया था कि उस लड़के का क्या नाम है। उसके अलावा डार्क देवर जो आई थिंक थर्ड लेसन है शायद फर्स्ट ईयर में, तो उसमें पूछा गया था कि वो जो हैरी बनाने की कोशिश करता है रॉकेट, तो वो दूसरा जो आदमी होता है उससे रॉकेट फ्रेम जो है वो कितने डॉलर्स में ख़रीदता है। इसके लिए 3-4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसके अलावा सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर के भी लेसन्स में से भी क्वेश्चन आए हुए थे, ख़ास तौर पर इसकी जो पर्सनालिटीज़ हैं
उसमें से सहारा डिजर्ट वाले में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, लुइस पास्चर, उसके अलावा वो फ्लेमिंग जो है उन्होंने कब जो है अपनी मेडिकल की डिग्री ली थी, इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पर्सनल डिजीज में से भी आए हुए थे। इसके अलावा मिस्टर चिप्स में से एक बहुत बड़ा पार्ट आया हुआ था पेपर में। मिस्टर चिप्स में से बहुत सारे करेक्टर्स के नेम लिखे हुए थे और ये पूछा गया था कि ये कौन है, ये करेक्टर जो है ये मिस्टर चिप्स में किस हैसियत से शामिल है, क्या ये स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, या हेडमास्टर हैं, या फिर चिप्स के फ्रेंड हैं। इसके अलावा एक हेडमास्टर जो थे उनका पूछा गया था कि उन्होंने किस ईयर में जो है वो हेडशिप जो छोड़ी थी स्कूल की। उसके अलावा करेक्शंस का एक बहुत बड़ा पार्ट आया हुआ था, करेक्शंस जिसमें प्रपोजिशंस वगैरह करेक्ट करने थे, स्टेटमेंट दिए गए थे एडवर्ब वगैरह की और इस तरह की काफ़ी जो करेक्शंस करने थे उसके बारे में MCQs आए हुए थे। इसके अलावा सिनोनिम्स आए हुए थे, ए वर्ड दिया गया था एक और उसका मीनिंग पूछा गया था, और सेम इसी तरह एंटोनिम्स थे। एंटोनिम्स में यही कि जो वर्ड है इसका एंटोनिम क्या है। इसके अलावा ईडियम और फ्रेजेस में से कुछ चीज़ें आई हुई थी, जैसा कि क्लीन अप, इसका मीनिंग पूछा हुआ था कि उसके अलावा क्लोज्ड विद, इसका क्या मतलब है ये पूछा गया था। इसके अलावा बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट शामिल था इस पेपर में। अब बेसिक में इसमें जो वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज हैं, क्लॉजेज हैं, इन सब के बारे में जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैसे कि एक सेंटेंस बनाकर दिया गया था, सेंटेंस में एक पार्ट उसका अंडरलाइन किया गया था उस, और उस सेंटेंस उस पार्ट के बारे में ये पूछा गया था कि बताएं ये एडवर्ब फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है, या नाउन क्लोज है या वर्ब क्लोज है, इस तरह के काफ़ी सारे सेंटेंसेस दिए गए थे और उनके एक पार्ट के बारे में या फ्रेजेस क्लॉजेस के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा जो है वो पेपर अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये एक बहुत ही आसान पेपर था, और जो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा रहे हैं या जिन्होंने इसको अच्छे तरीके से ओवरव्यू कर लिया था उनके लिए पेपर काफ़ी आसान रहा। इसके अलावा जो ग्रामर है ना, बेसिक ग्रामर इंग्लिश का, जैसा कि नाउन और इसके सब टाइप्स, प्रोनाउन और इसके सब टाइप्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में भी क्वेश्चन था, और इसके अलावा जो एडजेक्टिव वगैरह इनकी सारी जो सब टाइप्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आया हुआ था। तो जब भी आपने प्रिपेयर करना है इस किस्म का कोई टेस्ट तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच या बेसिक ग्रामर जो है वो इसको डिटेल में आपने तैयार करना है।